भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 19 नवंबर 2023 को खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंग्स ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। विराट कोहली 54 रन बनाकर आउट हो गए हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी लगातार दूसरी बार 47 रन बनाकर आउट हो गए। वे न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में भी 47 रन पर आउट हुए थे। भारतीय टीम को चौथे विकेट के रूप में बहुत बड़ा झटका लगा है। विराट कोहली 63 गेंदों में 54 रन बनाकर आउट हो गए हैं। भारत ने 28.3 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 148 रन बनाए हैं। विराट कोहली ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है। कोहली ने 56 गेंदों में 50 रन बना क्रीज पर मौजूद रहे। ऑस्ट्रेलिया ने रोहित शर्मा के आउट होने के बाद अच्छी वापसी की। भारत को तीसरा झटका तब लगा जब रोहित के बाद श्रेयस अय्यर भी पवेलियन लौट गए। कप्तान रोहित शर्मा के आउट होने के बाद मिडिल ओवर में आए श्रेयस अय्यर भी पिच पर टिक नहीं पाए और 3 गेंदों में महज 4 रन बनाकर पैट कमिंग्स की गेंद पर आउट हो गए। भारत को पहला बड़ा झटका तब लगा जब स्टार्क ने शुभमन गिल का विकेट चटका लिया। गिल का कैच एडम जंपा ने लिया। गिल सिर्फ 4 रन बनाकर ही आउट हो गए। चार्ट में आप देख सकते हैं रोहित शर्मा ने 31 बॉल पर 47 रन बनाए। शुभमन गिल ने 7 बॉल पर 4 रन बनाए। विराट कोहली ने 63 बॉल पर 54 रन बनाए और श्रेयस अय्यर ने 3 बॉल पर 4 रन बनाए। समाचार लिखे जाने तक केएल राहुल और रविंद्र जडेजा क्रीज पर थे। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं।